नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएसएस पार्क में। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराती हूँ और दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं आपके, जो 1-2 महीने बाद काफ़ी एग्जाम्स आ रहे हैं। मंडे लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव आते हैं और हम सब आपको इकट्ठे कलेक्ट करके दे रहे हैं। डेली आपको 10 क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसको आप देखते जाइए, आप थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लीजिए डिटेल्स में। हमारे सर की जो प्लेलिस्ट है शशिभूषण सर की, पॉलिटी की और भी हिस्ट्री की भी, सारी चीजों को आपको पूरा डिटेल्स में दे रहे हैं। वो हम आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जिससे आपका पूरा तैयार होता जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव अगर बहुत ज्यादा टाइम लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम आपको सिर्फ 10 मिनट की वीडियोज रहती है जिसको आप सुन लीजिए, रिविजन हो जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जितना डिटेल्स में पढ़े हैं उनमें क्या छूटा है, क्या नई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर हम आपको मेंशन करते हैं सारी। तो दोस्तों इसी तरह आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल का साथ देते रहिए और मैं स्टार्ट करती हूँ आपका। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय कब किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कि उच्चतम न्यायालय कब किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। जब राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगा जाता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति मांगेगा इनसे परामर्श, तभी ये उसको परामर्श देते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। दोस्तों इसको बोला जाता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये आपका आर्टिकल 143 में बताया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति इनसे सलाह मांगेगा, परामर्श लेगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जो ये सलाह देंगे उसको राष्ट्रपति को मानना ही है, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना है, ये नहीं है। वो सलाह मांगेगा ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि उसको इनकी सलाह मानकर काम करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन था कि उच्चतम न्यायालय कब किसी, मतलब ये जो क्वेश्चन आपका ये है कि ये परामर्श कब देते हैं उच्चतम न्यायालय, तो तब परामर्श देते हैं जब राष्ट्रपति इनसे परामर्श मांगता है। और दोस्तों बताया ये आपको कि 143 में ये परामर्शदात्री 143 आर्टिकल जो आपका है उसमें परामर्शदात्री के बारे में बताएगा, जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से इनकार कर दिया था? कौन सा मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगने पर इनकार कर दिया था? दोस्तों ये जो मामला था आपका अयोध्या मंदिर वाला जो मामला था उसमें ये हुआ था आपका कि राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा था सर्वोच्च न्यायालय से, उन्होंने इनकार कर दिया था इसका परामर्श देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है? दोस्तों इसको पुनर्वलोकन को हम जुडिशियल रिव्यू भी आपका जो होता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आपका होगा 137, अनुच्छेद आपका 137 मैं यहां लिख दे रही हूं, आर्टिकल आपका 137 है। और जो पहला आपका ये दूसरा क्वेश्चन, इसके आंसर दोस्तों बड़े हैं यहाँ बनेंगे नहीं, लेकिन इसका मैंने आपको लिख दिया है कि 137 आपका अनुच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्य होते हैं? दोस्तों नेक्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत, ये पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्य होते हैं? अनुच्छेद 141, इसका आंसर होगा दोस्तों 141। आपका जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा वो सभी न्यायालयों में माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका फिफ्थ वाला कि पूर्ण निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? पूर्ण निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है कि पूर्ण निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है,
ये आज का आंसर आपका होगा, उच्चतम न्यायालय पर पूर्ण निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है। दोस्तों छठवां क्वेश्चन जो आपका है कि संघ सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका संसद का, और अनुच्छेद 138 में इसके बारे में बताया गया है। आंसर इसका है संसद, लेकिन इसका मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 138 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में कर सकता है परंतु अन्य स्थान पर भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में कर सकता है परंतु अन्य स्थान पर भी कर सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा राष्ट्रपति। सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये आपका किस अनुच्छेद में, 214 में, अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ये संसद आपका ये कर सकती है कि दूसरे जगह के न्यायालय को दूसरी जगह ट्रांसफर, ये चीजें आपके संसद के हाथ में होती हैं वैसे। लेकिन ये जो रूल है कि एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा 217। और देन लास्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, इसका आंसर है दोस्तों 216। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, वन लाइनिंग क्वेश्चन थे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने पूछा है कि किस अनुच्छेद से पूछा गया है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपका था कि उच्चतम न्यायालय कब किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है, जब राष्ट्रपति ये परामर्श मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से इनकार कर दिया था। अयोध्या मंदिर के मैटर में मना कर दिया गया था देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। दोस्तों अनुच्छेद 137 में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर सभी न्यायालयों पर बाध्य होता है, 141। उसका आंसर है दोस्तों आपका 141। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि पूर्व निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय पर लागू नहीं होता। उच्चतम न्यायालय पर पूर्व निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है, उच्चतम न्यायालय पर। दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय है आपका, वो अपना डिसीजन देकर चेंज भी कर सकता है, तो इसलिए इस पर क्या नहीं होता आपका कि पूर्व निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संघ सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है, तो ये है आपका संसद को ये अधिकार है, और इसका आपका अनुच्छेद 138 में बताया गया है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में कर सकता है परंतु अन्य स्थान पर नहीं। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई नई दिल्ली में कर सकता है परंतु अन्य स्थान पर नहीं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों इसका आंसर है आपका 214। आठवें क्वेश्चन का आंसर है आपका 214। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। दोस्तों ये अनुच्छेद 217 में दिया गया है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आपका है,
उच्च न्यायालय के गठन के बारे में, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर है आपका 216 अनुच्छेद, अनुच्छेद 216। ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें आप नोट कर लीजिए। मैं हट रही हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आए हुए परीक्षा में और आगे जाकर आपकी परीक्षा में आ भी सकते हैं, ये ज़रूरी है दोस्तों। डेली 10 मिनट की वीडियोस डाल रहे हैं, आप उनको देखते रहिए, आपकी अपने आप जीएस तैयार हो जाएगा, आपके सारे सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।